हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। उस बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। दोस्तों, सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें जो रोगी होता है वो अपने आप को बीमार नहीं समझता है, लेकिन वो ऐसी हरकतें करता है कि सामने वाला उसे पहचान जाता है कि यह इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है और अब इसे इलाज की जरूरत है। दोस्तों, जो सिजोफ्रेनिया रोगी होता है वो कभी भी अपने आप को बीमार नहीं समझेगा और डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। वो हमेशा ऐसी हरकतें करता है कि बिल्कुल पागलों की तरह दिखाई देता है। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, ना वो किसी को अपना दोस्त मानता है, यहाँ तक कि अपनी जो फैमिली वाले होते हैं उनसे भी दूर रहना पसंद करता है। वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेता है, फैमिली वालों को बहुत ज्यादा गाली देता है। गाली गलौज करना, पागलपन की सी हालत में रहना, ऐसी उसकी हरकतें होती हैं। कभी कभी इतना भी देखा जाता है कि वो लोगों से मारपीट करने लगता है और उसे किसी प्रकार का एहसास भी नहीं होता है। बार बार वो चीखता चिल्लाता रहता है, हमेशा अकेला रहता है, ना किसी से बात करेगा और ना ही डॉक्टर के पास जाएगा। अगर आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो वो घबराया घबराया सा रहेगा और बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और हमेशा कहेगा मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो हमेशा पागलों की तरह हरकत करता रहता है। कभी कभी गली के अंदर या फिर कैसे भी आप कह लो कि वो नंगा नाचना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे किसी भी प्रकार की इज्जत वगैरह का भी डर नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इसका आप इलाज किस तरह से कर सकते हैं। घर पर रहकर भी आप इसका इलाज कर सकते हैं या फिर आप हमसे कनेक्ट करके भी इसका इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, जो सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है एक गंभीर बीमारी होती है जो कि रोगी को लगभग 5 साल, 10 साल, यानी कि आप कह सकते हैं पुराने समय से लगी रहती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि अकस्मात किसी प्रकार की दिक्कत उसे आ जाती है, अचानक से जॉब चली जाए या फिर किसी प्रकार के परिजन की मृत्यु हो जाए या फिर कोई भी उसे गहरा झटका लगता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अक्सर यह उधेड़ उम्र के लोगों के अंदर देखा जाता है, यानी कि जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर और लगभग 45 साल के आसपास है उन लोगों में अक्सर इस प्रकार के रोगी देखने को मिलते हैं। और ऐसे रोगी अपने आप को रोगी तो मानेंगे नहीं और डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। हालांकि जो घर वाले होते हैं, परिवार जन वाले होते हैं, वो उन्हें बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। एलोपैथी में भी इसका काफी ज्यादा इलाज करवाया जाता है ताकि उनको काफी ज्यादा राहत मिल सके, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एलोपैथी में भी इसको ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप सिजोफ्रेनिया के रोगी को घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हैं या फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके उनकी दवाई मंगवा कर भी उनको ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिजोफ्रेनिया का जो भी मरीज है उसका आपको इलाज किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी दिमाग को शांत करने वाली दवा होती है जैसे कि शंखपुष्पी हुई, ब्राह्मी बट्टी हुई, आपको इनको लेना है। इनका आप चूर्ण फॉर्म में ले सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार से आप इनको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको आपको रोगी को देना चाहिए। लगभग आप इसे दिन में 2 बार देंगे तो उससे उसका दिमाग शांत रहेगा और वो किसी प्रकार की हरकत नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर आपको जितना हो सके जो भी रोगी है उससे फ्रेंडशिप करनी है, जैसे कि परिवारजन वाले कर लेते हैं, उससे फालतू नहीं बोलना है ना ही उससे लड़ना है। अगर आप उससे लड़ते हैं या फिर फालतू बोलते हैं तो वो आपकी बात नहीं मानेगा और ना ही वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा। तो इतना आपको उसके साथ अच्छा बिहेव करना है कि उसे महसूस ही ना हो कि उसे किसी प्रकार की बीमारी है और धीरे धीरे आपको ही उसका इलाज करना है। जितनी आप उसके साथ दोस्ती बनाकर रखोगे उतना उस रोगी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फैमिली वाले ही उसको ठीक कर सकते हैं। जितना हो सके उसको उसके फ्रेंड से मिलाते जुलाते रहना चाहिए ताकि उसका फ्रेंड सर्कल में भी अच्छा बना रहे और उसे कोई भी पागलपन के दौरे वगैरह ना आए और उसे वो अपने आप से ही वो पागलपन जैसा कोई फील ना करे। तो जितना हो सके उसे उसको आपको दोस्ती करके रखनी चाहिए। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको अनुतेल लेना है। अनुतेल जो होता है लगभग 5 से 10 ml के आसपास की एक शीशी आती है, उसके अंदर आता है। आपको उसे सीधा लेटा देना है और उसके नाक के अंदर 3 बूंदे दाई नाक में और 3 बूंदे बाई नाक में डालनी है और उसे कहना है कि एक साथ उसे सूंघना है। लगभग आपको हर दिन उसकी डोज बढ़ानी है, 3 बूंद आज, 4 बूंद अगले दिन, फिर 5 बूंद, फिर 6 बूंद, ऐसे करके 8 बूंद तक लेके जाना है और फिर उसे घटाते रहना है। 8 बूंद, 7 बूंद, 6 बूंद,
ऐसे 3 बूंद तक लेके जाना है, मतलब लगभग 10 दिन के आसपास आपको ये ट्रीटमेंट करना है। जो अणु तेल होता है, जैसे ही नाक के अंदर जाता है वो डायरेक्ट नाक के थ्रू मस्तिष्क में चला जाता है और वो दिमाग को शांत करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो आप इस उपाय को अपना कर भी सिजोफ्रेनिया के रोगी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और तरीके बता देता हूँ। आपको लगभग एक कद्दू लेना है, कद्दू आपने देखा होगा आम भाषा में इसे लौकी भी बोलते हैं, तो इसको आपको अच्छी प्रकार से कूट लेना है, कूट ले या फिर किसी प्रकार से आपको छील लेना है और इसका रस निकालना है। रस निकालने के बाद आपको उसकी कनपट्टी पर धीरे धीरे से लगाना है, इस वाले हिस्से पर उसे लगाते रहें। लगभग आपको दिन में इसे 2 बार करना है, इससे भी उसका दिमाग शांत रहेगा और सिजोफ्रेनिया के मरीज को काफी ज्यादा राहत भी मिलेगी। चौथा उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक बादाम रोगन तेल आता है, मार्केट से आपको मिल जाएगा, लगभग 50 से 100 ml की आप शीशी लेके आ जाएं। बादाम रोगन तेल की अगर आप उसके सिर पर अच्छी प्रकार से मालिश करते हैं, दिन में सिर्फ आप 1 बार करें, जैसे वो नहाले, नहाने के बाद उसके सिर की अच्छी प्रकार से मालिश कर दे, या फिर सुबह सुबह जिस टाइम वो उठे उसके आधे घंटे बाद आप उसके सिर की मालिश करें, और आपको 1 घंटे तक उसे नहाने नहीं देना है। तो आप दोनों में से किसी भी उपाय को अपना सकते हैं। उसको अच्छी प्रकार से मालिश करना है। जो बादाम रोगन तेल होता है वो दिमाग के अंदर जाता है और दिमाग की सारी नसों को एक तरह से खोल देता है, और बादाम रोगन तेल के अंदर इतनी अच्छी पावर होती है कि वो मस्तिष्क के अंदर सभी प्रकार के जो भी तंत्रिका तंत्र होते हैं उनको बेहतर करने में मदद करेगा, जिससे कि उसका दिमाग शांत रहेगा और वो किसी प्रकार की पागलों वाली हरकत नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको उसके साथ फ्रेंडशिप भी करके रखनी है और उसे अच्छी प्रकार से महसूस करवाना है कि वो पागल नहीं है, और उसका धीरे धीरे आपको ही इलाज करना है। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। जो सिजोफ्रेनिया का मरीज होता है वो रात के समय बहुत ज्यादा एक तरह से आक्रामक हो जाता है, वो लड़ने झगड़ने वाला बन जाता है। तो ऐसे मरीज को एक आयुर्वेदिक सिरप आती है जिसका नाम होता है शाश्वतरिष्ट। उस सिरप को आपको लेना है, लगभग 4 चम्मच की मात्रा में आपको दवाई लेनी है और 4 चम्मच आपको इसके अंदर पानी मिलाना है। दिन में आप इसे 2 बार दे सकते हैं, 1 बार सुबह खाना खाने के बाद और 1 बार शाम को आपको खाना खाने के बाद। तो आप उसे वैसे ही दोगे, यह एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है जिसको पीकर वो धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है और उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होता रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 5 उपाय बताए हैं, इन 5 उपाय को आप करें, इससे सिजोफ्रेनिया का जो भी मरीज है उसको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। लगभग आपको सिजोफ्रेनिया के मरीज पर 1 महीने से लेके 6 महीने तक ट्रीटमेंट चलाना होता है, उससे उसके शारीरिक हालत में काफी ज्यादा सुधार होता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो एलोपैथी वाले इसको 3 साल से लेकर 5 साल तक चलाते हैं, हालांकि उनका कोई काफी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, जितना आयुर्वेद के अंदर सिजोफ्रेनिया के मरीजों को काफी हद तक ठीक होते हुए देखा गया है। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर अपनाएं, इनसे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उस मरीज के आपको कुछ परहेज भी करवाने हैं, जैसे कि किसी प्रकार की ज्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाएं, जितना हो सके उसे किसी प्रकार की खट्टी चीजों को बिल्कुल ना देने दें, जितना हो सके उसे पानी पिलाएं और उसके शरीर को सही रखने का प्रयत्न करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।